जी ने जब देश की आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित किया था, युवा साथियों, उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन्होंने उस समय देशवासियों से एक अपील की कि हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष को आजादी के 75 वर्षों को के इस आयोजन के साथ हम जुड़ रहे हैं। यह आयोजन हमें एक आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है। यह अवसर, इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है। जो पाया है इसमें और अच्छी अभिवृद्धि हम कैसे कर सकते हैं, जहां पे चूक हुई है उसका परिमार्जन हम करते हुए कैसे हम उस गैप को भरने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। लेकिन केवल इसी में अपना समय व्यतीत नहीं करना है, अगले 25 वर्षों का एक लक्ष्य तय करके विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना है। और इसके लिए हर भारतवासी के लिए उन्होंने पंच प्रण की बात की। मित्रों, ये पंच प्रण है क्या? ये पंच प्रण उन्होंने हर भारतवासी से अपेक्षा की। जब 142 करोड़ का भारत एक साथ बोलेगा, एक साथ चलेगा, एक स्वर से आगे बढ़ने के संकल्प के साथ उठ खड़ा होगा, कोई कारण नहीं कि भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में हम स्थापित न कर दें। कोई कारण नहीं। और उन्होंने पंच प्रण की जो बात की उसमें पहला प्रण था कि हर भारतवासी का संकल्प बने कि हम 2047 तक भारत को दुनिया की ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि दूसरा संकल्प था, गुलामी की मानसिकता से दूर होंगे लेकिन साथ साथ अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेंगे। चौथा संकल्प था कि आपस में एकता और एकात्मता की बात करेंगे। और पांचवा प्रण है नागरिक कर्तव्य। एक छात्र अपने छात्र के धर्म का निर्वहन करे, एक अभिभावक अपने अभिभावक के धर्म का निर्वहन करे, एक शिक्षक अपने शिक्षक धर्म का निर्वहन करे, एक सुरक्षाकर्मी अपने सुरक्षा धर्म का निर्वहन करे। जीवन के जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस क्षेत्र के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे। तो ये पंच प्रण भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर कर देगा और 2047 होते होते भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।